हेलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में एग्जैक्टली हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं रिलेटेड टू फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। जो भी आज तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है उसके बेसिस पर हम एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने सामने लिखा हुआ है, गेट 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी, अगर आप लोगों को प्रीवियस सारे लेक्चर आते हैं तो आप लोग बहुत ईजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। तो लिखा है द वैल्यू ऑफ फ्लोट टाइप वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिंगल प्रिसीजन 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट IEEE 70 स्टैंडर्ड फॉर्मेट। IEEE 75 32 बिट आ जाए तुरंत आप लोग समझ जाओगे कि साइन बिट 1 बिट की है, बायस्ड एक्सपोनेंट 8 बिट का है और आपकी मंटीसा 23 बिट्स की है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान दो, जो भी अच्छे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर सारा कुछ डिस्क्रिप्शन गिवन होता है, 1 बिट फॉर साइन, 8 बिट फॉर बायस्ड एक्सपोनेंट एंड 23 बिट्स फॉर मंटीसा। अ फ्लोट टाइप वेरिएबल x इज असाइंड द डेसिमल वैल्यू ऑफ -14.25। मतलब एक x वेरिएबल है, आप कैपिटल एस या स्मॉल x कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, उसको -14.25 असाइन कर रखा है। अब ये फ्लोट टाइप की वैल्यू, तो फ्लोट टाइप की वैल्यू को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है। तो खास बात यह है कि हमें इस नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करना है, फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, 32 बिट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है इस नंबर को, और उसको फाइनली हेक्साडेसिमल नोटेशन में भी कन्वर्ट करना है। तो बेसिक क्या होने वाला है, ध्यान से सुनो। चूंकि माइनस है, हम एक बात बताओ, ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक फॉर्मेट होने वाला है, ये आपका साइन, ये आपका बायस्ड एक्सपोनेंट और ये आपका मंटीसा पार्ट। तो साइन आपका 1 बिट का, ये 6 बिट का, ये 23 बिट्स का, यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो एक बात बताओ, अगर माइनस है तो माइनस का मतलब क्या होता है, साइन नेगेटिव, साइन क्या है आपका, नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होता है 1, तो आपका फिक्स्ड है कि आपका नेगेटिव जो है वैल्यू जो है यहाँ तो 1 आने वाला है। अब आपको बायस्ड एक्सपोनेंट कैलकुलेट करना है और एम कैलकुलेट करना है, एम राइट। तो खास बात ये थी, ये नंबर जो रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया गया है, ये रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल, तो एग्जैक्टली हमें इसे करना क्या पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना रहेगा। 14 को आप लोग बाइनरी में कन्वर्ट करना जानते हो, तो इसको मैं 14 में लिखूंगा, क्या होगा 1110.25 को करोगे तो 01 आएगा। ये लोग आप लोग स्टार्टिंग से ही जानते हो कि कैसे हम लोग इसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। एग्जैक्टली अगर सही मायने में कहा जाए तो हम लोग, मैं इसको सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ, सेंटर पे सब लोग ध्यान से देखोगे, यहाँ ध्यान दोगे, ये आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हुआ इस नंबर का, ये 14 का, ये 25 का। अगर जिसको नहीं आता तो याद करो, 25 को हम लोग अगर बाइंडिंग कन्वर्ट करना है तो 2 से कन्वर्ट करके फिर मल्टीप्लिकेशन करते रहते, तो वही प्रोसेस है, नथिंग एल्स। तो प्लीज़ आप लोग कन्वर्जन में गलती नहीं करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं इस नंबर को लिखूं स्टार्टिंग में, तो ये नंबर कुछ ऐसा 1110.01, बेस कितना है, क्योंकि हमें जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, प्लस माइनस इनटू बेस की पावर प्लस माइनस एक्सपोनेंट, पहले तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है, ये जनरलाइज्ड फॉर्म होती है, तो मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये सिंपल दिख रहा है भाई आपको कि ये मंटीसा है, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है 0। लेकिन मैंने हमेशा बताया कि जो मंटीसा होती है वो आपकी 1 समथिंग की फॉर्म में होती है, ये मंटीसा पार्ट होता है, 1 आपका रिजर्व्ड होता है, तो 1 रिजर्व्ड का मतलब वो आपकी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म होती है। तो हम इस पे नॉर्मलाइजेशन जब परफॉर्म करेंगे तो हमें चाहिए 1। तो एक बात बताओ, अगर 1 चाहिए तो पॉइंट कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, इसका मतलब 0 राइट शिफ्ट, 1 राइट शिफ्ट, 1 राइट शिफ्ट, कितने में राइट शिफ्ट परफॉर्म करो, 1 2 3 राइट शिफ्ट परफॉर्म करो। जब भी राइट शिफ्ट होता है तो आपका जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, तो आपका हो जाएगा 1.110 और 01 इनटू 2 to the power +। सो ये आपकी होगी जनरलाइज्ड फॉर्म, ये बात समझ में आ रही है। तो इतना पार्ट हो गया मंटीसा, इतना पार्ट हो गया आपका एक्सपोनेंट, है ना, ये बेसिक जनरलाइज्ड फॉर्म हुई। अब इस फॉर्मेट को आपको निकालने के लिए साइन, बायस्ड एक्सपोनेंट और मंटीसा कैलकुलेट करना है, है ना। तो लेट्स स्टार्ट, इतना तो बेसिक आइडिया जो कि आप लोग ईजिली कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, बायस्ड एक्सपोनेंट। तो बायस्ड एक्सपोनेंट क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल एक्सपोनेंट प्लस बायस। एक्चुअल एक्सपोनेंट कितना गिवन है, 3 प्लस 3। बायस कितना होता है, 6 बिट के लिए,
हाँ जी, आप लोग अभी रिसेंटली मैंने आई ट्रिपल ई जब स्टैंडर्ड बनाया, सॉरी ये सिक्स नहीं, ये आपका एट है, क्वेश्चन पेपर में एट गिवन है, प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये एट है। ओके, तो एक चीज़ ध्यान से देखो, ये देखो 8 बिट का बायस डिक्रीमेंट। तो एक बात बताओ, इसको कैलकुलेट करने का भी तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है, प्लस 2 to the power n-1-1, तो ये कितना आएगा, 2 to the power n कितना, 8, 8-1, 7, 2 to the power 7, 128, 128-1, 127, तो ये हो गया आपका बायस, तो इसे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 127, एम आई राइट? ठीक, तो ये अगर दोनों को कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 130। अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा, या फिर आप क्या करो, 3 को 8 बिट का है फॉर्मेट, तो 3 को क्या लिखोगे, 1 1, बाकी 1 2 3 4 5 6, ये तो आपका 0 ही ऐड ऑन करोगे। अब आपको अगर 127 को लिखना रहेगा किसमें, बाइनरी फॉर्म में, तो क्या लिखोगे आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, समथिंग रॉन्ग और नॉट, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया। इसके लिए आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो, ध्यान से देखो, जैसे 1 2 3 4, सॉरी प्लेस वैल्यू ये नहीं होती है, आपकी प्लेस वैल्यू होती है 1 2 4 8 16 32, देन आपका 64, देन आपका 128, है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, अगर मुझे 127 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इस बिट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है, तो आपका इन सारे बिट्स का जो कॉम्बिनेशन होगा वो 127 होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 7, 2 to the power 7 कितना होता है, -1, 128-1, 127, ये मैं बहुत देर से आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कैलकुलेशन है, आप लोग वरना नॉर्मली क्या कर सकते हो, 127 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो ये कन्वर्ट करोगे, बात समझ में आ रही है। हमेशा ध्यान दो, एक चीज़ हमेशा आप लोगों को ध्यान रखनी है, चूँकि हमारा जो फॉर्मेट है वो 8 बिट का है, मैंने इस ऊपर वाले नंबर को 3 को कितने बिट्स में लिखा, 8 बिट में लिखा, ठीक है, और जो आपका 127 वो भी 1 2 3 4 5 6 7 से रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो अगर आपको 8 बिट में बढ़ाना है तो राइट वे ये होता है कि जो लास्ट बिट होती है हम उसे एक्सटेंड करते हैं, अगर 0 तो 0, 1 है तो 1 एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको मल्टीप्लिकेशन में सिखाऊंगा, हमेशा ध्यान रखना साइन एक्सटेंशन क्या होता है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, एग्जैक्टली होना ये कि 3 को अगर आप लोग डेसिमल में, सॉरी 3 को आप लोग, मैं कुछ कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ कंसंट्रेशन से देखें कि अगर आप लोग 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो सिंपल 1 2, ये 3 कॉम्बिनेशन हो गया, 0 एक्सटेंड कर दिए, ठीक, चूँकि 127 मैंने बाय मिस्टेक इन 8 बिट में ले लिया था, मैंने यहाँ पर क्रॉस चेक कर लिया 7 बिट से आएगा, तो 7 बिट तक एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, उससे ऊपर एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो 8 बिट का कॉन्सेप्ट वो मल्टीप्लिकेशन में यूज़ होगा, वो बात की बात है। अभी यहाँ पर देखो, अब इन दोनों का एडिशन क्या आना चाहिए, 130, तो 1 और 1 10, 1 आपका कैरी आया, तो 1 1 और 2 3 3 में मतलब 1 1 कैरी 0 1 और 1, फिर कैरी 0, फिर कैरी, फिर 0, फिर कैरी, फिर 0, फिर कैरी, फिर 0 और 1, तो ये आपका कॉम्बिनेशन आया, ये आपका रिजल्ट है, तो इसको आप कैलकुलेट करो, 1 2 4 8, और ये हो गया आपका 16 32, ये 64, और ये आपका 128, तो 128 प्लस 2 ये हो गया आपका 130, एम आई राइट? तो दिस इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 130, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इसे बाइनरी में कन्वर्ट किया, होप यू विल अंडरस्टैंड द आइडिया, मे बी हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो, नो डाउट, 3 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 1 1, 127 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 7 1s, तो 7 1s यहाँ पर एड ऑन करने के लिए हमने एक्सटेंड किया और एडिशन किया तो 130 आया। तो एक बात बताओ, हमें कैलकुलेट क्या करना है, साइन बायस्ड एक्सपोनेंट मिनटी सर, तो साइन आपका बायस्ड एक्सपोनेंट कैलकुलेट हो गया, आ गया साइन ऑलरेडी आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, अब मेंटीसा आपको कैलकुलेट करनी है ना, तो मेंटीसा एग्जैक्टली क्या पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन मेंटीसा होता है, चूंकि यहाँ 23 बिट है तो हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग करेंगे, मैंने पैडिंग का भी आप लोगों को आइडिया दिया था, तो ध्यान से देखो, जो आपका मेंटीसा बनने वाला है वो थर्ड है आपका मेंटीसा, ठीक, तो मेंटीसा क्या है आप लोग ध्यान से देखो, ये रहा आपका मेंटीसा,
1 1 0 0 1, ये इधर वाला पोज तो रिजर्व होता है, ये आपका मेंटीसा पार्ट होता है। अब आप बहुत कंफर्टेबल हो, हमें कितना बनाना है, 23 बिट्स का बनाना है मेंटीसा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो टोटल कितनी डिजिट हो जानी चाहिए, 23 बिट का मेंटीसा हो जाना चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, इतना पार्ट पैडिंग के अंदर आता है टू कन्वर्ट द ओरिजिनल नंबर इनटू द पर्टिकुलर रिक्वायर्ड फॉर्मेट, है ना। तो 1 2 3 4 5 कितने जीरो होने चाहिए, 18 जीरोस होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, फाइन। तो हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मेट है वो क्या है, वो है साइन, ये है ओरिजिनल फॉर्मेट साइन बायस एक्सपोनेंट मेंटीसा। मैं इसमें लिख देता हूँ, तो एक बात बताओ, सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग, साइन लिखोगे, तो सबसे पहले साइन है आपका 1, उसके बाद आप क्या लिखोगे, बायस्ड एक्सपोनेंट, बायस्ड एक्सपोनेंट मेरा ये कैलकुलेट हो गया आया था 1 0, कितना टाइम्स 0, 1 2 3 4 5, देन 1 0, उसके बाद आपका क्या आएगा, ये पूरा मेंटीसा आएगा 1। चाहो तो आप लोग पूरा रेक्टेंगल ड्रॉ करके आप शो कर सकते हो, ठीक है, ओके। ये 1 1 0 0 1, इतना मेंटीसा, इतना पैडिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। अगर रूल के अकॉर्डिंग देखोगे तो इतना पोर्शन जो है वो आपका मेंटीसा है, और इतना पोर्शन, कितना पोर्शन, इतना पोर्शन जो है आपका बायस्ड एक्सपोनेंट, और इतना पोर्शन ये साइन है, ये बायस्ड एक्सपोनेंट है, और ये आपका क्या है, मेंटीसा है, ठीक है। अगर आप लोग क्वेश्चन देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि हेक्साडेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट करना आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो एक बात होता है, हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कितने बिट्स के ग्रुप बनते हैं, 4-4 ग्रुप के पेयर बनते हैं, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, तो वही मैं पेयरिंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं अभियान, हाँ जी। तो ये 4 ग्रुप का पेयर, ठीक है, आप लोग देखो मेरी बात हमेशा ध्यान दो, स्टैंडर्ड वे ये है कि आप लोग हमेशा लेफ्ट से पेयरिंग शुरू करता है ना, फिर उसके बाद ये आपका 0 0, फिर आपके 4 0, देख लेना भाई मैं कुछ गलती ना करूं, पेयरिंग में हमेशा गड़बड़ी हो जाती है, फिर आपका 4-bit पेयर हो गया, ये आपका 4-bit पेयर हो गया, ये आपका 4-bit पेयर हो गया, और ये आपका 4-bit पेयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, और ये 0। अब देखते हैं ये 1 0 0 रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, 4 0 1 1, आप लोग तुरंत दिमाग मत लगाया करो, ये लगा 4 1 2 4 8, तो जहाँ जहाँ 1 है उनका एडिशन कर लो, तो 4 2 6, ये तो सिंपल 1 ये वाला, और 1 1 ये कितना हो गया आपका 1 2 4 8, 8 4 12 12, ठीक है। तो 12 है, यहाँ देखो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में ए को 10 लिखते हैं, बी को 11, सी को आपका 12, तो क्या है 12 आया, तो 12 को क्या लिखोगे आप लोग, सी। सो दिस इज योर आंसर, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। बात सबको समझ में आ रही है, सो होपफुली इस क्वेश्चन को करके जितने भी आप लोगों ने लास्ट के कॉन्सेप्ट हैं वो सारे सीखे हुए हैं। कभी कभी पता है एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ये नंबर गिवन रहेगा और आप लोगों को उल्टा नंबर निकालना रहेगा, तो पता है इस ओरिजिनल नंबर से आप उल्टा ये कन्वर्ट करोगे तो आपको साइन मिल जाएगा, बायस्ड एक्सपोनेंट मिल जाएगा, मेंटीसा मिल जाएगा। बायस्ड एक्सपोनेंट अगर मिल गया तो उससे आपको क्या निकालना रहेगा, एक्चुअल एक्सपोनेंट, तो बायस्ड एक्सपोनेंट में से आप लोग क्या माइनस कर दोगे, बायस, क्योंकि आप लोगों ने बायस यहाँ ऐड किया तो उससे एक्चुअल एक्सपोनेंट मिल जाएगा, और आप लोग मेंटीसा के जो पार्ट होगा उसको 1 पॉइंट की फॉर्म में लिखोगे, 1 पॉइंट की फॉर्म में, और 1 पॉइंट की फॉर्म में लिख के आप लोग ओरिजिनल नंबर निकाल सकते हो। ओके सर, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।